हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 83 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है वो है रीड्रेस। रीड्रेस का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दो तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। देखेंगे सेंटेंस में मीनिंग इसकी क्या क्या है। तो अगर जब ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं टू करेक्ट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग और अनफेयर। मतलब कोई चीज़ जो गलत है या सही नहीं है, अनुचित है, कोई इथिकली रॉन्ग है, उसको हम सही कर रहे होते हैं, तब हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये नाउन की तरह यूज़ होता है तो हमें कोई पेमेंट मिल रही होती है हमारे नुकसान की, दैट यू शुड गेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ हैपन टू यू और हार्म दैट यू हैव सफर्ड। मतलब आपको जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना आपको मिल रहा होता है, तब उसको बोलते हैं नाउन, ठीक है? रिड्रेस कर गया, ठीक है, करना, ऐसे बोल सकते हो। तो एक शब्द में अगर कहें तो आप इसे सुधार करना, मतलब किसी मिस्टेक को सही कर रहे हो, या फिर हर्जाना आप बोल सकते हो, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो रेक्टिफाई करना और कॉम्पनसेशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डैमेज और डिसऑर्गेनाइज, मतलब किसी चीज़ को डैमेज पहुंचाना या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की जगह, सुधार करने की जगह और उसमें ख़राब कर देना उस चीज़ को, ऐसा बोल सकते हो, ठीक? सेंटेंस में अगर इसका यूज़ देखें तो वी होप दैट ऑल दीज ग्रेवियांसेज प्रॉब्लम्स, ग्रेवियांसेज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, विल बी रिड्रेस इमीडिएटली। हम ये होप करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, ग्रेवियांसेज है, वो जल्दी ही सुधार दी जाएंगी, ठीक है? और दूसरे में बात करें तो वी आर सीकिंग रिड्रेस, मतलब हम हर्जाना चाहते हैं थ्रू द कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमें हमारा जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना हमें मिले, ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया, ठीक है? नाउन और वर्ब दोनों तरह हमने यूज़ करके दिखाया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सीमेंट। सीमेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक अ रिलेशनशिप एग्रीमेंट और एक्सेट्रा वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी चीज़ को ना स्ट्रॉन्ग करना, वो सीमेंट कहता है। सीमेंट आप लोगों ने नॉर्मली टर्म में सुना भी होगा। सीमेंट का मतलब क्या होता है कि दो ईंट को चिपकाना, स्ट्रॉन्ग करना, चिपका के ना, तो वही होता है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना, वो सीमेंट कहलाता है, ठीक है? तो जोड़ना या चिपकाना या मजबूत बनाना आप बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें, ज्वाइन करना या कनेक्ट करना हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की, अनहुक करना या अनबेल्ट करना, ठीक है, उसे खोलना, अलग करना, ऐसा बोल सकते हो। सेंटेंस में यूज देखें तो दिस एग्रीमेंट हैज सीमेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज, बिटवीन आवर नहीं होगा, बिटवीन टू कंट्रीज बोल सकते हो, हमारी दो कंट्री भी हो सकता है। तो दो कंट्रियों के बीच में इस एग्रीमेंट ने जो रिलेशनशिप है वो अच्छी करी, जोड़ी मजबूत करी, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है लैग। लैग भी वर्ब और नाउन की तरह यूज होता है। कब कब होता है? वर्ब जब होता है तो टू मूव और डेवलप मोर स्लोली देन समथिंग और समबडी और समथिंग, मतलब धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे ग्रो करना, इसको बोल सकते हो, डेवलप करना स्लोली स्लोली, ठीक है, लैग। लैग मतलब जैसे, और एक का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, तो किसी दो इवेंट के बीच के जो बीच का गैप होता है उसको भी हम लैग कहते हैं, ठीक है? तो पहले वाले वर्ब में हम लोग फोन का भी कहते हैं, फोन लैग कर रहा है, मतलब फोन हैंग कर रहा है, तो उसमें लैग का वहाँ पे वर्ड यूज होता है, ठीक है? चलिए एक शब्द में कहें तो पिछड़ जाना या विलंब। अभी बहुत कुछ दिन पहले ही मैंने लैग कराया था, ये वर्ड लगातार यूज में आ रहा है, इस वक्त हिंदू में पूछा जा रहा है, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रगल करना या डिले हो जाना, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो हरी और लीड, मतलब आगे रहना और जल्दी में रहना, ऐसा बोल सकते हो। सेंटेंस में यूज देखें तो द टायर्ड चिल्ड्रन बिगन टू लैग बिहाइंड, जो टायर्ड मतलब थके हुए बच्चे थे वो पीछे छूटने लगे, लैग होने लगे, मतलब पीछे पिछड़ने लग गए, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में। देयर विल बी अ टाइम लैग ऑफ हाफ एन आवर बिटवीन टू इवेंट, तो अभी दो घंटे आधे घंटे का समय बचा है इन दो इवेंट के बीच में, इन दो इवेंट के बीच में आधे घंटे का गैप दिया गया है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है एल। एल बोलते हैं एल इसको, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गिव फिजिकल और इमोशनल पेन, किसी को फिजिकली हार्म करना या इमोशनली डैमेज करना, वो होता है एल करना, ठीक है? एक शब्द में कहें तो दर्द देना, सिंपली बोल सकते हो कि आप किसी को दर्द पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा एल करना, ठीक? सिनोनिम की बात करें तो डिस्कम्फर्ट और ट्रबल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिलीफ और रेस्पाइट करना होता है, ठीक है? और बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ किया गया है, तो हिज बैक हैज़ बीन एलिंग हिम, तो उसका जो बैक मतलब कमर का जो दर्द है या पीठ का जो दर्द है वो इसे परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है एंसीडोटल। एंसीडोटल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड पॉसिबली नॉट ट्रू और एक्यूरेट, मतलब कोई चीज़ किसी कहानी पर आधारित है,
एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है ना, ज़्यादा उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है खाली, ठीक है। तो वो होती है एनसीडोटल, ठीक। एक शब्द में कहें तो किस्सों पर आधारित आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम देखें इसका तो इनफॉर्मल है, मतलब अरेंज वे में नहीं है, इनफॉर्मल है, ऐसे ही बोल दिया गया है, और अनरिलायबल है ना, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। एंटोनिम की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल है, जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और साइंटिफिक है, ठीक है, उसका सबूत है। सेंटेंस में यूज देखें तो द न्यूज़पेपर एक्स वाई जेड स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन एनसीडोटल इविडेंस। तो जो न्यूज़पेपर एक्स वाई जेड है उसकी जो स्टोरी है वो एनसीडोटल यानी किस्सों पर आधारित इविडेंस पे बेस्ड है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है कोप। कोप एक वर्ब होती है, ये वर्ड एसबीआई क्लर्क में आया था और आई थिंक मेरे कमेंट सेक्शन में एक लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर कोप होता है कोप विथ होता है कोप अप होता है, तो कोप अप नहीं होता, कोप अप कोई वर्ड नहीं होता है, वो खाली बस कंफ्यूज करने के लिए होता है। कोप अकेला आता है, ठीक है। कोप का मतलब वर्ब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विथ अ डिफिकल्ट मैटर और सिचुएशन, मतलब किसी चीज़ से डील करना, किसी चीज़ से गुजरना, ठीक है, उसका सामना करना, आप उसका मतलब होता है कोप करना, ठीक है, किसी कठिन मामले या स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बोल सकते हो आप, ठीक, तो सामना करना आप इसको बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो ग्रैपल करना या हैंडल करना हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ऑक्सिलरी या आफ्टर दो, मतलब उस चीज़ से निपट जाना, उस चीज़ के आगे उसके बाहर चले जाना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो शी समटाइम फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ ऑल द प्रेशर एट द वर्क। तो वह कई बार ऐसा होता है कि जो वर्क पे जो प्रेशर होता है ना, सारे प्रेशर से, सारे जो वर्क के प्रेशर होते हैं उसको नहीं झेल पाती है, उसका सामना नहीं कर पाती है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है क्लाउड। क्लाउड एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को टफ बनाना, धुंधला बनाना बोल सकते हो ना, कोई ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना, हाइड करने की कोशिश करना, धुंधला कर देना, वो होता है क्लाउड करना, ठीक है। एक शब्द में कहें तो अस्पष्ट, कोई चीज़ दिख नहीं रही है साफ साफ, ऐसा बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो ब्लर है और डार्कन है। एंटोनिम की बात करें तो क्लियर है और एविडेंट है, ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें इसका तो हर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द केस वॉज बिगिनिंग टू क्लाउड हर जजमेंट। तो जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट केस में आया उसकी वजह से उसके जजमेंट जो है काफ़ी काफ़ी अस्पष्ट हो गए, काफ़ी धुंधले हो गए, उसको अब समझ नहीं आ रहा है क्या सही जजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से वो पर्सनल जब इन्वॉल्व हुआ तब से ये हुआ, ठीक है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है फोर्ग। फोर्ग एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। तो किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट, प्रेशर लगाना, दम लगाना, जोर लगाना, वो होता है फोर्ज करना, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल को करने के लिए कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो गया फोर्ज करना, ठीक है। एक शब्द में कहें तो बनाना या दम लगाना, जोर लगाना, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे बनाना तो चलो ठीक है, हाँ, किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना कह सकते हो आप, तो यहाँ पे जोर लगाना भी कह सकते हो इसका, तो बनाना कह सकते हो, हेल्प करना कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डिस्ट्रॉय करना या डिसमेंटल कर देना, ठीक। सेंटेंस में यूज देखें तो आवर स्कूल हैज़ फोर्ज लिंक विथ अ स्कूल इन जापान। तो हमारे स्कूल के जो लिंक है, हमारे स्कूल के जो रिलेशन है, वो दूसरे स्कूलों से भी बने हुए हैं, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है नेटलसम। नेटलसम एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉजिंग अनोइंग और अनोयंस एंड और डिफिकल्टी, मतलब किसी के लिए, मतलब खराब चीज करना, खराब कठिनाई पैदा करने की कोशिश करना, उसको परेशान करना, उत्सुक करना, मतलब प्रोवोक करना कह सकते हो, प्रोवोक करना मतलब उकसाना टाइप कह सकते हो, अनोय करना उसको ना, परेशान करना, उसको बोलते हैं नेटलसम। तो परेशानी पैदा करना कहीं पर, उसको बोलते हैं नेटलसम, ठीक, एक शब्द में। सिनोनिम की बात करें तो बोदरसम या इरिटेट करना कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो डिलाइटफुल या प्लीजिंग कह सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो ही अटेम्प्टेड टू टैकल द नेटलसम इशू ऑफ पुलिस एंड कम्युनिटी रिलेशंस। तो वो जो है वो अटेम्प्ट एक टैकल अटेम्प्ट मतलब कोशिश कर रहा है कि जो नेटलसम कर दे, क्या परेशानी को कम कर दे, किस चीज़ के, पुलिस और जो कम्युनिटी के रिलेशन है उनको, जो कम्युनिटी मतलब वो जो भीड़ है उनके रिलेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट एडजेक्टिव होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। कोई चीज़ जितनी एक्सपेंसिव होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। कई बार ऐसा केस आता है कि जैसे प्याज कभी कभी 80 रुपये किलो में बिक रहा होता, उतना होता नहीं है वो जनरली, लेकिन हो गया, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, तो उसमें हम उस पर्टिकुलर टर्म को एग्जॉर्बिटेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। एक शब्द में कहें अगर तो हद पार, वो चीज़ हद पार हो गई है, ठीक है। एक्सपेंसिव या कह सकते हो, या किसी चीज़ का हद पार हो गया है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है।
चलो सिनोनिम की बात करें, एक्सोटिनेट सॉरी एक्सट्रोटिनेट और आउटरेजियस हो जाएगा इसका सिनोनिम। और एंटोनिम की बात करें तो रीजनेबल है और कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो ही वेंट टू एक्सॉर्बिटेंट लेंथ टू कंसील द ट्रुथ, वह हद पार उसने हद पार कर दी जो ट्रुथ है उसको छुपाने के लिए। कंसील मतलब होता है छुपाना, ठीक है। उसने सच को छुपाने के लिए हद पार कर दी, झूठ बोलते बोलते हद पार कर दी, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक। चलो तो आगे कुछ नहीं है, आगे इतने ही वर्ड थे मेरे पास आज। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है एंसीडोटल और एक है क्लाउड, दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोशिश करनी है दोनों के एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सेंटेंस बना सकते हैं तो सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।